तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल होने वाले आईएसएल के मुंबई सिटी एफसी और एटीके के बीच मैच के, दोनों ही टीम के प्लेइंग 11 और मैच डिटेल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी रोक टोक के वीडियो को आगे शुरू करते हैं। कल होने वाले मुंबई सिटी एफसी और एटीके के बीच मैच खेला जाएगा मुंबई फुटबॉल एरिना में शाम के 7:30 पर। अब बात करते हैं कल होने वाले मुंबई सिटी एफसी और एटीके के बीच मैच के, दोनों ही टीम के कुछ एक्स फैक्टर प्लेयरों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एटीके के एक्स फैक्टर प्लेयरों के बारे में। तो एटीके के तरफ से एक्स फैक्टर प्लेयर हो सकते हैं उनके टीम के सेंट्रल मिडफील्डर मेंडी सोसा, उनके अटैकिंग मिडफील्डर जावी हर्नांडेज, उनके राइट मिडफील्डर प्रवीत दास और उनके दोनों स्ट्राइकर रॉय कृष्णा और डेविड विलियम्स। अब बात करते हैं मुंबई सिटी एफसी के एक्सपेक्टेड प्लेयरों के बारे में। तो मुंबई सिटी एफसी के एक्सपेक्टेड प्लेयर हो सकते हैं उनके टीम के गोलकीपर अरमिंदर सिंह, उनके सेंट्रल बैक प्रतीक चौधरी, उनके लेफ्ट मिडफील्डर मोहम्मद लारबी, उनके राइट विंगर मोदू सोगू और उनके स्ट्राइकर अमीन चेरीमेटी। अब बात करते हैं एटीके के प्लेइंग 11 के बारे में। तो एटीके इस मैच में अपने 3-5-2 फॉर्मेशन के साथ उतरेंगे। एटीके के टीम के गोलकीपर होंगे अरिंदम भट्टाचार्या, उनके सेंट्रल बैक होंगे आगोस गार्सिया, उनके राइट बैक होंगे प्रीतम कोटा, लेफ्ट बैक होंगे सुमित राठी, सेंट्रल मिडफील्डर होंगे मेंडी सोसा और एक सेंट्रल मिडफील्डर होंगे जयेश राणे, उनके राइट मिडफील्डर होंगे प्रवीर दास, लेफ्ट मिडफील्डर होंगे माइकल सोसायराज, उनके अटैकिंग मिडफील्डर होंगे जावी हर्नांडेज, उनके दोनों स्ट्राइकर होंगे रॉय कृष्णा और डेविड विलियम्स। अब बात करते हैं मुंबई सिटी एफसी के प्लेइंग 11 के बारे में। तो मुंबई सिटी एफसी इस मैच में अपने 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ उतरेंगे। मुंबई सिटी एफसी के गोलकीपर होंगे अरमिंदर सिंह, उनके सेंट्रल बैक होंगे प्रतीक चौधरी और माटो, उनके राइट बैक होंगे शौविक चक्रवर्ती, उनके लेफ्ट बैक होंगे सुभाषीष बोस, उनके राइट मिडफील्डर होंगे रैनी फर्नांडेस, उनके लेफ्ट मिडफील्डर होंगे मोहम्मद लारबी, उनके सेंट्रल मिडफील्डर होंगे राउलिन बॉर्जेस, उनके राइट विंगर होंगे सोगू, उनके लेफ्ट विंगर होंगे डियागो कार्लोस, उनके एकमात्र स्ट्राइकर होंगे अमीन चेरीमेटी। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है मुंबई सिटी एफसी का जो विजय रथ चल रहा है वो क्या एटीके रोक सकेगा, या अमरिंदर सिंह या रॉय कृष्णा को वो रोक पाएंगे? ये सब हमें बताने के लिए नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।